नमस्कार मित्रों, फेसबुक लाइव की इस सीरीज में आपका स्वागत है, जो हमने कोरोना संकट के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए शुरू की है। आज हमारे साथ आप देख सकते हैं कि खास मेहमान डॉक्टर कौशल पंवार हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। विभिन्न गोष्ठियों में एक से एक ओजस्वी व्याख्यानों के लिए मशहूर हैं, और हाल ही में उन्होंने अपना एक YouTube चैनल भी शुरू किया है स्वच्छकार समाज को लेकर। और हमने अनाउंस किया था 7:30 बजे का समय, लेकिन देरी की वजह ये रही कि हम निशा जी से, जो कि हमारी प्रतिभागी थी, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे फ़ोन पे संपर्क हो रहा है, लेकिन इस फेसबुक और यूट्यूब लाइव के इस माध्यम में हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, और ये भी हमारे एक बहुत बड़ी सीमा है हमारे तमाम ब्रॉडकास्ट की और इस पूरी बातचीत की, कि हमारे पास सीमित संसाधन है। हमारे पास न चैनल है, ना स्टूडियो है। बस हमारी कोशिश है कि हम समाज के हर तबके का सच आपके सामने लेकर आएं, और इसी कोशिश के तहत हमने ये लाइव श्रृंखला शुरू की है, जिसे आप मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब नामक तर्कश नामक यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। काफ़ी देर हो चुकी है, तो कौशल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू आपका सर। सब लोग सुनने के लिए आतुर हैं आपको। मेरे पास कई मैसेज आ चुके थे, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण हम देर से शुरू कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये कोरोना का संकट है, ये संकट सब पर समान असर नहीं छोड़ता। कोई भी महामारी हो या समाज में कोई संकट आए, तो सत्ता प्रतिष्ठान में उसकी हिस्सेदारी और उसकी भागीदारी, उसकी स्थिति, इसके आधार पर उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव में फर्क पड़ता है। अगर आप सत्ता में पावरफुल स्थिति में हैं, मजबूत स्थिति में हैं, सत्ता के करीब हैं, संसाधनों पर आपका कब्जा है, तो आप शायद बेहतर स्थिति में होते हैं। ये बात सच है कि महामारी कोई जाति, धर्म, नस्ल देख करके नहीं आती, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो समाज के सबसे कमजोर तबके हैं, उनके ऊपर महामारी का, कोरोना महामारी है या कोई भी महामारी हो, कोई भी आपदा हो, उसका ज़्यादा असर होता है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं तमाम आपके दर्शकों से और आपके चैनल से, तर्कश यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स से माफ़ी चाहूँगी कि हमने तय समय सीमा को क्रॉस किया है। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता हमारे लिए, और क्योंकि हम लोग एक एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं तो समय की इम्पोर्टेंस हम लोग खूब जानते हैं। बहरहाल, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ तकनीकी कारणों से हम लोग आपसे उनको हमने आवाज देने की कोशिश की है। वो ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे जो लोग जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से तमाम लोग आज उनको सुन सकें, इसके लिए हमने समाज की आवाज़ यूट्यूब चैनल को शुरू किया है। हालांकि एज सच कुछ सोच के शुरू नहीं किया था, बस शुरुआत की थी 2015 में। लेकिन क्योंकि मेरी अपनी सीमा है, और जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से भी आपने खुद कहा कि हमारे पास ना तो स्टूडियो है, ना ही ऐसे टेक्निकल उपकरण है कि हम अच्छे से बातचीत को पहुंचा पाए, ठीक उसी तरह मेरा हाल है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सीमित साधनों में ऐसे ऐसे लोगों को जो दूर दराज के क्षेत्र में हैं, चाहे वह पंजाब का हो, उत्तराखंड का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, तमाम लोग जो सफाई पेशे से जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने उनसे उनके उनके साथ बात करने की कोशिश की है। सर, दूसरी चीज जो आपने मुझसे पूछा, मैं ये कहना चाहूंगी कि
कोरोना महामारी जो आज का विषय भी था हमारा, कोरोना महामारी और सफाई कर्मचारियों की जो हालत है आज देश में उसके ऊपर, ये विडंबना है भारत की कि यहाँ महामारी कोरोना जैसी महामारी तो अभी आई है, लेकिन उससे पहले भी अगर हम पीछे जाएं तो तमाम जो उतार चढ़ाव जो भारत के समाजों में जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो सफाई कर्मचारियों की जो दशा रहती है वो लगभग एक जैसी रहती है, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना, यहाँ प्लेग फैलता है, यहाँ डेंगू फैलता है, यहाँ मलेरिया फैलता है, यहाँ तमाम पोलियो फैलता है, कितनी सारी महामारियाँ फैलती हैं, उनमें जो सफाई कर्मचारियों की जो दशा है वो एक जैसी रहती है। और आज के वर्तमान इस संकट में जिस आपदा से हम गुजर रहे हैं उसमें जो सफाई कर्मचारियों की दशा है वो बहुत ही एक तरह से दयनीय है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर बात करूँ, मैं एक बात बीच में जरूर कहना चाहूँगी, वो ये कि भारत में, भारत की खासकर राजनीति में, यहाँ सफाई कर्मचारियों की दशा पर बात करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, चाहे पीछे की सरकारें रही हों, उन्होंने निर्मल भारत अभियान के माध्यम से अभियान को चलाया, या फिर कहें कि आज जो स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है इसके माध्यम से एक तरह से पॉलिसी मेकिंग बनती जा रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी है उनकी दशा पहले भी एक। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ में कुछ डिस्टरबेंस है, तो जो साथी सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि नया कमेंट करके बताएं कि आवाज़ अभी ठीक आ रही है कि नहीं, शुरू में डिस्टरबेंस था शायद अब ठीक है। जोहार, सब लोग जोहार करें, जोहार, जय भीम। निशा जी आप भी सुन रही हैं, हमें अफसोस है कि हम जुड़ नहीं पाए आपसे इस माध्यम से, लेकिन आप सुन रहे हैं हमको, आप भी बताएं और दूसरे साथी बताएं कि कौशल जी की आवाज ठीक ठीक आ रही है साफ। क्योंकि अगर आवाज में डिस्टरबेंस आता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ समय बीच में वीडियो बंद कर सकते हैं और सिर्फ आवाज रहेगी, क्योंकि कई बार इंटरनेट की स्पीड पर्याप्त नहीं होती लाइव के लिए। ठीक ठीक काम चला हुआ आवाज आ रही है जी, बोलना आप जारी रखिए जी। जी जी कौशल जी आप जारी रखिए। मैं सर ये कहना चाह रही थी जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि भारत की राजनीति में चाहे निर्मल भारत अभियान चला हो या आज वर्तमान सरकार भारत, लेकिन जो सफाई पहले भी सरकार ने, आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है, आप एक मिनट के लिए, आपसे गुजारिश है कि आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए और सिर्फ आवाज दीजिए। आवाज सरकार ने उस तरीके से डिक्लेयर नहीं किया कि इसके लिए है या केवल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों में इंक्लूड आपने जी, एक बार आप बोलिए, कुछ समय बाद में आप जी चालू कर दीजिएगा। हाँ हाँ अब आप अपनी बात जारी रखिए और कुछ समय बाद वीडियो चालू कर दीजिए क्योंकि फ्लो पकड़ लेगा ये शायद। तो मैं बस ये कहना चाह रही थी, कोरोना महामारी के दौर में भी जो जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए सफाई कर्मचारियों की वो नहीं दी जा रही है। आप ये देखिए कि तमाम जो चाहे केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकारें हों, सफाई कर्मचारियों को जो जो टेक्निकल चीजें उनको दी जानी चाहिए आज के इस दौर में भी जहां रात दिन सफाई कर्मचारी काम में लगे हुए हैं उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। दूसरे पॉइंट में आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो सफाई कर्मचारी जो जो खासकर जो ठेके पर है या जिसको एक तरह से डेली वेज के रूप में रखा हुआ है या तमाम जैसे हमारे यहाँ जो एक तरह से जो एक किसी को ठेका लेकर उसके माध्यम से जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो काम कर रहे हैं, हालांकि वो इम्प्लाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के नहीं है, वो इम्प्लाय उसके हैं जो जो उनको फंड जीवन जो
जो क्षेत्र हैं, जो सरकारी जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे सफाई कर्मचारी एक तरह से। आपका माइक बंद हो गया है, आपका माइक बंद हो गया है, माइक आपने माइक बंद कर दिया, म्यूट कर दिया, माइक ऑन करिए। हाँ माइक ऑन करिए, माइक बंद हो गया है। हाँ अब खुल गया है। हाँ ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, एक दो बार पीछे से बोलिए क्योंकि बीच में कुछ आवाज कहना चाह रही थी कि तमाम जीवन के जितने भी प्रयोग हैं हमारे, जितने भी हम काम करते हैं, उनमें जो सफाई कर्मचारियों की जो 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 वे ऑफ वर्किंग है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादातर है या फिर किसी एजेंसी को हायर कर रखा है, उस एजेंसी ने सफाई कर्मचारियों को कर रखा है, तो मुझे लगता है कि वो सारे के सारे सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं उनको किसी तरह की कोई सुविधा उस तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही। आज का जो बजट है जो सरकार ने अभी जो घोषित किया है 20 करोड़, उसमें भी सफाई कर्मचारियों के लिए तो एक तरह से नदारत है, कोई ऐसी व्याख्या हम सरकार की तरफ से हमें नजर नहीं आ रही। दूसरा इम्पोर्टेंट, मैं मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी चली गई और बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तुरंत, अगर मैं उठूंगी तो कनेक्ट करने में भी दिक्कत आएगी। मैं तीसरा जो पॉइंट आपके सामने डिस्कस करना चाह रही हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सरकार के जितने भी जो आज कोरोना संकट में जितनी भी एजेंसीज काम कर रही है, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे आप लेबोरेटरी हो जिसमें सैंपल लिए जाते हैं, या तमाम जो आज कोरोना संकट से जो उभरने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन सब की किट कोई उपलब्ध नहीं करवाई जा रही उनको एक तरह से, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे काम कर रहे हैं उनको डबल पे सरकार एक तरह से 12 महीने के बजाय 13 महीने के प्रोवाइड करती है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं। सर मैं कुछ मांगे आपके तर्कश यूट्यूब चैनल के माध्यम से और तमाम मित्रों के माध्यम से, सुझाव बल्कि मांगे की बजाय सुझाव रखना हाँ, चाहती हूँ। हाँ, आज मिनट, इस कोरोना संकट के दौर एक मिनट में रोक रहा हूँ, कुछ लोगों ने बाद में शुरू किया, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारा विषय है कोरोना संकट और सफाई कर्मी, और इस विषय पर हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक और एक ओजस्वी वक्ता कौशल पवार जी हमारे साथ हैं। जी कौशल जी, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। मैं बस इतनी कहना चाह रही थी कि हमारे कुछ मांगे हैं जो लगातार हम चाहते हैं कि उनके ऊपर ध्यान दे सरकार, उनका जितने भी सफाई कर्मचारी है, मैंने बताई दिया आपको 3-4 तरह की कैटेगरी है, कुछ केंद्र सरकार और अपना राज्य सरकार को मुलाजिम है पक्के जिसको आप कहेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कुछ एजेंसी को हायर किए हुए हैं, कुछ डेली वेज के रूप में रखे जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम उनका उनके एक तरह से उनके सुझाव एक तरह से उसके रूप में देना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनका जितने भी काम कर रहे हैं कोरोना संकट में, उनको जैसे 3 महीने अगर कोरोना में काम किया है तो उनको 6 महीने की पे उनको दी जानी चाहिए, डबल पेमेंट उनको होनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से वो सिर्फ रुमाल बांध के काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई उनके पास पीपी की किट की कोई योजना नहीं है या सैनिटाइजर उनको उस तरीके से उपलब्ध, लोग जहां रखते हैं उनमें जो सफाई कर्मचारी की है किसी भी तरह की सुविधा सरकार प्रोवाइड नहीं करवा रही। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बस इतने कहना चाह रही हूँ कि वो जो जो लोग हैं, ऐसे जो कर्मचारी हैं जो कोरोना संकट में काम कर रहे हैं, उनके पहचान पत्र बनने चाहिए, उनको बकायदा पे स्लिप दी जानी चाहिए, उनके पक्के होने का काम शुरू करना चाहिए, कम से कम कोरोना संकट में इतनी महामारी में उभरने के लिए जहां आप फूल बरसाते हैं, जहां आप वाहवाह लूटना चाहते हैं, लेकिन उनको उनको बुनियादी सुविधाएं तभी मिलेगी जब आप उनको उनको नौकरी पर रखेंगे, उनकी सरकारी नौकरी लगेगी। अगर किसी भी तरह से कोरोना संकट में कोई कर्मचारी मारा जाता है तो उसका उसके परिवार का उससे पहले भी बीमा सुनिश्चित होना चाहिए पूरा जो उसके ऊपर आधारित है, और उसके अलावा जैसे कि राज्य सरकार दिल्ली सरकार ने तो हालांकि घोषणा भी की है कि 1 करोड़ रुपए हम लोग देंगे, तमाम राज्य सरकारों को इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि आप एक तरह से उनको शहीद कहा जा सकता है, जैसे शहीद बॉर्डर पर बन रहा है वो भी बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए संकट से जूझते हैं और मारे जाते हैं, तो उनको 1 करोड़ रुपए सरकारों को उपलब्ध करवाना चाहिए और उनके एक मेंबर को सरकारी नौकरी होनी चाहिए, रिटायरमेंट का भुगतान उनका किया जाना चाहिए, कम से कम उनकी जो अब जो इस दौर में जो जो एक तरह से रिटायरमेंट हो चुके हैं कर्मचारी
उनको तो कम से कम उपलब्ध करवाएं, मेडिकल की सुविधा उनको दी जानी चाहिए। जी कौशल जी, आपकी आवाज़ फिर डिस्टर्ब हो गई है, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर कौशल पंवार, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अपना वीडियो ऑन करिए ताकि हम जान पाएं कि क्या आप मुझे सुन पा रही हैं। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मूलतः चार तरह के सफाई कर्मचारी हैं, एक जो राज्य या केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं उनके एम्प्लॉई हैं, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं राज्य या केंद्र सरकार की किसी संस्था में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तीसरा जो किसी एजेंसी के थ्रू हायर किए जाते हैं, एजेंसी लगाती है कुछ समय के लिए विभिन्न ऑफिसेज में विभिन्न जगहों पर, चौथे तरह के वो हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जितने दिन आपने काम किया उतने दिन आपको सैलरी मिलेगी। जी मुकुंद रविदास जी का मैसेज आया है कि प्रत्येक राज्य के विद्वानों को जोड़कर उन राज्यों की वस्तु स्थिति पर लाइव चर्चा करने की कोशिश कीजिए। रविदास जी, आपके इस पर अमल किया जाएगा। और सफाई कर्मचारियों पर हमने चर्चा करने का फैसला इसलिए किया कि हमको लगता है कि किसी भी व्यवस्था को देखने का एक तरीका हो सकता है। गांधी जी जो कहते थे कि मैं आपको जंतर देता हूँ कि अगर आपको संदेह हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, तो आप उस व्यक्ति को याद करिए जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति आपने देखा है। आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम से उस व्यक्ति को कोई फ़ायदा पहुँचेगा या नहीं, उसके हित में है या नहीं, तो आप अगर इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो आपका संदेह दूर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस कोरोना संकट के दौर में जो सबसे उपेक्षित हैं, समाज में भी जो सबसे उपेक्षित हैं, वो है हमारे सफाई कर्मचारी साथी। आज जब से ये संकट गहराया है और चूंकि एक संक्रमण का इससे संबंध है, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, एक दूरी का ध्यान रख रहे हैं, और डॉक्टरों और नर्सों को संक्रमण हुआ है, पुलिसकर्मियों को संक्रमण हुआ है, किसी को भी संक्रमण होना, खासतौर पर काम करते हुए संक्रमण होना ज़्यादा चिंता का विषय है। लेकिन अपेक्षाकृत रूप से देखें तो हमारे समाचार माध्यमों में सफाई कर्मचारियों के संक्रमण के बारे में पर्याप्त रिपोर्टिंग नहीं हुई है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो समाचार माध्यम है उनमें दलितों का या सफाई कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उनके मुद्दे वहाँ पर नहीं आ पाते। बहुत ज़रूरी है कि समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व हो। हमारी कोशिश, ये फेसबुक लाइव की सीरीज हमने इसी उद्देश्य के साथ शुरू की कि ऐसे एक्सपर्ट्स जो समाज के अलग अलग हिस्सों पे काम करते हैं और ख़ास तौर पर इस महामारी के दौर में लोगों के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, तो समाज के अलग अलग हिस्सों पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं एक महामारी के, क्या सबके ऊपर समान प्रभाव है। इस सीरीज में हमने मीडिया के चरित्र को समझने की कोशिश की। हमारा विषय था महामारी और मीडिया। हमने कोरोना महामारी के सामाजिक पहलुओं को समझने की कोशिश की प्रोफेसर आनंद कुमार की मदद से। हमने इसके आर्थिक पक्षों को समझने की कोशिश की प्रोफेसर अरुण कुमार जी की मदद से। मीडिया वाले सेशन में सर्वप्रिया सांगवान और आनंद प्रधान जी थे। हमने ऑनलाइन शिक्षा की बात की, जिसमें हमने डॉक्टर संदेशा रायपा और डॉक्टर सोनू सैनी जी के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को कैसे प्रभावी बनाएं और उसके क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स को हमको ध्यान में रखना है, सुरक्षा की कौन सी चुनौतियां हैं ऑनलाइन शिक्षा के दौरान, पढ़ने के दौरान भी और पढ़ाने के दौरान। इसी कड़ी में हमने आदिवासियों की दृष्टि से ये समझने की कोशिश की प्रोफेसर के एम मैत्री, जो कन्नड़ विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उनके माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि आदिवासियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है कोरोना का। गणेश मांझी को हमने उस कार्यक्रम में जोड़ा और साथ में हमने रजनी टोप्पो को जोड़ा। हमने दलितों की नज़र से, जो
एक महामारी का समाजशास्त्र समझने की कोशिश की प्रोफेसर विवेक कुमार के साथ, और हमने मजदूरों के नज़रिए से भी इसी कार्यक्रम में प्रोफेसर सुबोध नारायण मालाकार की मदद से कि मजदूरों को आप देख रहे हैं कि टीवी पर लगातार मजदूरों की तस्वीरें और वीडियो तैर रहे हैं, लगातार लोग देख रहे हैं उनको, और ऐसा लगता है कि पूरा देश, पूरा मीडिया मजदूरों के प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर पूरा देश, पूरा मीडिया मजदूरों के प्रति इतना संवेदनशील है तो ऐसी खबरें नहीं आती। कल की कई खबरें हैं, कितने सारे मजदूर भूख से मर गए हैं ट्रेनों में सफ़र के दौरान, कहाँ की ट्रेन कहाँ पहुँच गई है। और सबसे मार्मिक तस्वीर मेरे मस्तिष्क में आ रही है कि एक बच्चा जिसकी माँ स्टेशन पर मरी हुई है, और माँ के साथ वो माँ का ऊपर जो चादर से ढका हुआ है उससे उसको हटा रहा है, वो माँ से संवाद करने की कोशिश कर रहा है। और डॉक्टर कौशल पवार एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कई महत्वपूर्ण बातें आपको बता रही थी। कौशल जी, आपका स्वागत है। जी, मैं माफी चाहूंगी आपके दर्शकों से और तमाम फेसबुक देखने वालों से जो चर्चा को गंभीर रूप से सुन रहे थे। असल में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ हवा चल रही है, आंधी, असल में आंधी और बारिश, उससे इंटरनेट कनेक्ट बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, बार बार जा रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने इसको डायरेक्ट वायर किया। खैर, एनी वे, बस इतना कहना चाह रही हूँ कि मुझे आप लोग माफ करेंगे कि आपको प्रॉब्लम आई मेरी वजह से। हाँ सर, मैं ये बताना चाह रही थी कि तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे 20 करोड़ का जो बजट का ऐलान किया गया उसमें सफाई कर्मचारी कहाँ खड़े हैं, इसकी कोई डिक्लेरेशन सरकार के द्वारा नहीं की गई। मैं वहाँ थी कि हमारे कुछ सुझाव हैं, और न केवल सुझाव हैं बल्कि तर्कश यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक तरह से मांग भी है कि जो सफाई कर्मचारी जिसको आप योद्धा मान रहे हैं, आप उनके उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, आप उनके ऊपर तालियां बरसा रहे हैं, मान ली ठीक है, सब कुछ सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या इससे बदलाव होगा उनकी जिंदगी में? आप ये देखिए कि कितने लोग जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है, किसी को बीमार। आपको मैं आंकड़ा बता सकती हूँ फैक्ट करके कि 50 साल तक कोई भी युवा जो काम कर रहा है इसमें वो ज्यादा जीता नहीं है, उसको ढेरों बीमारियां होती हैं। और किसी भी तरह की सबसे बड़ी बात, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है उनको, पे उनको जो उनका बीमा बनना चाहिए, जो हम लोग भी जैसे सेंट्रल एम्प्लॉइज हैं तो हम लोगों का भी कॉलेज की तरफ से भी सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलती हैं, लेकिन एक सफाई कर्मचारी को जो उसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है उसको उसको सारी सुविधाएं नदारद हैं। उसको कहीं डायरेक्ट पेमेंट की सुविधा नहीं है, अगर किसी हॉस्पिटल में उसको जाना पड़ जाए तो उसको सारा का सारा कैश देना होता है। मतलब तमाम चीज़ें हैं जो सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज इस समय में जहाँ हम एक तरह से उनको ये मान रहे हैं कि हमारे 3 पिलर्स हैं कोरोना से लड़ने के, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और जो हमारी फोर्सेस जो लगी हुई है एक तरह से मेंटेन करने में, लेकिन उसमें सफाई कर्मचारियों का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं 100% अगर ना भी मानूँ लेकिन 90% के आसपास का आंकड़ा है जिनके पास किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर बताऊंगी कि अब तो कोरोना है लेकिन उससे पहले भी पीछे चले जाइए, हम लोगों ने लगातार चैनल्स पे इस बात की मांग की थी कि जब टेक्निकल चीज़ें हम प्रयोग करते जा रहे हैं सारी चीज़ों में, जो मेन हॉल में जो उतार दिए जाते हैं एक खास वर्ग के लोग, मैक्सिमम उसी वर्ग के लोग जो उतारे जाते हैं उनको या तो कौवा पिला दिया जाता है, नशे में डाल देते हैं, या फिर सरसों के तेल मालिश करने के लिए दे देते हैं, किसी तरह की कोई मतलब कोई गैस होगी उसमें। और ये विडंबना है भारत की कि ये, मैं प्राइवेट इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही, हॉस्पिटल तक में, हॉस्पिटल के अंदर में ही लोग मारे जाते हैं। आपको याद होगा जो बिल्कुल सेंटर में है दिल्ली के हॉस्पिटल RML हॉस्पिटल, उसमें 4 लोग उसी हॉस्पिटल के अंदर उसी जगह पर मारे गए थे सीवर साफ करते हुए। तो लगातार दबाव के बावजूद जो एक तरह से जो मांग की गई कि इनका ये काम कम से कम मशीनों के द्वारा होना चाहिए, और अगर मशीनें दिल्ली सरकार ने, मैं सैल्यूट भी करती हूँ दिल्ली सरकार की पार्शली इस बात के लिए कि उन्होंने मैनुअल स्पेंजर मतलब मेन हॉल को साफ करने के लिए उन्होंने मशीनें उपलब्ध करवाई, लेकिन जब मशीनें आई, जब मशीनीकरण होना शुरू हुआ, यानी कि एक पेशे को जिस पेशे में आप लगातार मारे जा रहे थे, जब वो पेशा
प्रोफेशन में बदलना शुरू हुआ, पेशे में बदलना शुरू हुआ, तब उसने आपने ऐसी मशीनों के बंदर बांट की कि वो जो लोग जो जो परिवार था, जो हम लोग भी जिसके लिए लड़ रहे थे कि जो लगातार साफ सफाई कर्मचारी जो इसमें मारे जा रहे हैं, लेकिन जब मशीनों का जब टेंडर निकाला गया वो इंग्लिश में निकाला गया, हम सब जानते हैं। अच्छा, अभी सीधा सा है, मैं अगर आज JNU से पढ़ी लिखी होकर यूनिवर्सिटी में रह रही हूँ, क्या मैं ये मांग करूंगी कि मैं किसी का जाके शिविर की सफाई करूँ 500 रुपए में? या जो बेचारा अनपढ़ व्यक्ति है वो ये उम्मीद कर सकता है कि वो यूनिवर्सिटी में जाके नौकरी लगेगा? मतलब वो जो व्यक्ति है जो एक तरह से मजबूरी में अपना पेट भरने के लिए वो इस पेशे पे उतरता है, अगर उस पेशे पे उतरते हुए सारे लोग इस तरीके से मारे जाते हैं, जब उसका मशीनीकरण किया जाता है तब आपको वो नजर ही नहीं आते। हम सब जानते हैं वो अनपढ़ लोग बेचारे कहाँ से टेंडर पढ़ेंगे, कहाँ से वो टर्म कंडीशन पढ़ेंगे? दिल्ली सरकार ने इतना गेम खेला उन 200 मशीनों पे कि टेंडर इंग्लिश में निकाला पूरा, हमारे लोग पढ़ ही नहीं पाए। उसमें जो बैंक से जो लोन लेने की सुविधा थी, ये ना केवल दिल्ली सरकार का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। दिल्ली सरकार का तो मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारे सामने बिल्कुल एकदम आंखों देखा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ इसलिए मैंने दिल्ली का जिक्र किया। आप ये देखिए कि जब उसका टेंडर निकलने के बाद जब वो इंग्लिश में निकाला गया और उसके बाद फटाफट लोगों ने टेंडर भरा, जो सफाई कर्मचारी थे बेचारे जिनकी वजह से दिल्ली सरकार अस्तित्व में आई थी, झाड़ू के पीछे जो इमोशनली जो पूरा उनको सत्ता में बिठाया, वो मुंह ताकते रह गए। बहुत कम लोग, मतलब 200 मशीनों में से गिनी चुनी मशीनें उन तक पहुंची। और ये मैंने सिर्फ दिल्ली का इसलिए आंकड़ा मैं एकदम साफ साफ बता देना चाहती हूँ, ये दिल्ली का आंकड़ा मैंने इसलिए बताया क्योंकि दिल्ली का दिल्ली सेंटर है, लेकिन ये तमाम सेंटर में भी हुआ, केंद्र सरकारों में जहाँ जहाँ मशीनीकरण हुआ सफाई कर्मचारी बेचारे मुंह की तरफ देखते रह गए। तो ये इसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों के को हम कैसे देखते हैं, कौन सा नजरिया है हमारा उनको देखने का। और आज जो कोरोना का संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, जो जो उन सफाई कर्मचारियों की जो स्थिति है, वो कितने लोग मारे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे, बड़ी वाह-वाह लूटी। मुझे भी ईमानदारी से बता रही हूँ, मुझे भी संतुष्टि हुई, मुझे भी लगा कि चलो कम से कम एटलीस्ट एक परिवार तो सुधरे, मतलब सुधार हो जाएगा थोड़े से अमाउंट में। लेकिन उन्होंने पता नहीं किसको दिया किसको नहीं दिया, उसके बाद कितने लोग मारे गए कोरोना में साफ सफाई काम करते हुए, बिल्कुल चीख चीख के बता रहे हैं अखबार और तमाम सोशल मीडिया में लोग आ रहे हैं। अशोक अज्ञानी जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं, हमारे जो अभी नए नए मेंबर बने हैं वो लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, कहाँ गए 1 करोड़ रुपए सिर्फ घोषणा देने के लिए, क्योंकि झाड़ू आपका इमोशनली वो था इसलिए आपने पूरा का पूरा गेम खेला। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज कम से कम कोरोना के संकट में जो सफाई कर्मचारियों की जो दशा है उसको हर तरह से देखने की जरूरत है, उनके मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है, उनके आर्थिक स्थिति को न केवल समझने की जरूरत है बल्कि संवेदनशील तरीके से समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं सर, ये वो सफाई कर्मचारी हैं जो 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 जिसका ज्यादातर हिस्सा महिलाएं काम करती हैं जिसमें, और क्योंकि महिलाएं काम करती हैं तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाती। आप ये देखिए कि जो महिला सुबह सुबह उठ के दूसरों के घरों में साफ सफाई काम करना चला जाए, गंद उठाने के लिए चला जाए, आप झुके इनमें जाइए, जितनी भी पुरीज हैं यहाँ सारे के सारे एक खास आबादी है, उन झुगियों का अगर आप एक दिन भी राउंड लगा के देख लें आपको पता लग जाएगा कि उनकी क्या हालत है। वहाँ ये महिलाएं बेचारी सुबह सुबह उठती हैं, कहाँ बच्चों को स्कूल भेज पाएंगी पता भी नहीं लगता उनका। और मुझे तो हैरानी हुई कि ड्रॉप आउट रेट जो हुआ दिल्ली का वो इतना दयनीय है कि आप उसको सोच के आपको लगेगा कि ये क्या है, कहाँ तो आप साक्षरता दर चाह रहे हैं कि 100% हो, दिल्ली गवर्नमेंट भी चीख चीख के बता रही है, वहाँ आप ऑप्शन भी नहीं दे रहे स्टूडेंट्स को, जो MCDs के स्कूल हैं और उन बच्चों को जो स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए, स्पेशल प्रिविलेज की तो बात छोड़ दीजिए, कम से कम उनको जो महिलाएं जो दूसरों के घरों में जा जाके या सड़कों पर जाके झाड़ू लगाती हैं या तमाम अपने दूसरी जगहों को संवारने का काम करती हैं, उनके लिए आपको कोई ऐसी कोई स्क्रिप्ट आपने तैयार नहीं की कि उनमें तो कोई बुनियादी बदलाव हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैं एक सफाई कर्मचारी वर्ग से आती हूँ और मैंने ये झेला है, मैं जानती हूँ उस दर्द को। जब आप एक 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 विद्यार्थी जो पढ़ने की ललक लेके मजबूरी में दूसरों के घर में टोकरा उठा के सिर पर लेके जाता है और जब उसको भूख लगती है
भूख अपने पेट भरने के लिए वो उसी जगह पे बैठ के खाने पे मजबूर होता है, क्योंकि तो उसको अंदर जाना अलाउड नहीं होता। आप सोच के देखिए, मैं इसको हमेशा याद रखती हूँ, मुझे मैं जानती हूँ, जबकि मेरे चाचा ने मुझे ये कहा था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होगा, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी, जो मर्जी हो जाए। मैंने वो किया, लेकिन मैं भूल नहीं पाई ना आज तक इस बात को कि मैं अपने आप को रख के देखती हूँ उन पर, कि आप सोच के देखिए कि वो बच्चा जो ऐसे दंश सहन करता है वो क्या क्या करेगा अपने लाइफ में, कैसे कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होगा, कैसे आत्मनिर्भर। आपने अभी आत्मनिर्भर का नया एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, क्या वो ऐसा नागरिक आत्मनिर्भर हो पाएगा जो जो इस तरीके के झेला हो, स्कूल में इस तरीके के झेला हो, तमाम न केवल अपने लोगों के बीच में बल्कि जिनको हम सो कॉल्ड डिप्राइड सेक्शन बोलते हैं, उस डिप्राइड सेक्शन में भी विद इन डिप्राइड भी वो डिप्राइड है, उसको वहां भी इक्वालिटी की नज़र से नहीं देखा जाता। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मानना था वो बार बार यही तो कहते थे कि जो हमारा जो सफाई कामगार समुदाय है, उस सफाई कामगार समुदाय को बराबर में लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि वो भी उतना ही शोषित है जितना दूसरा वर्ग है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें एक लेयर्स बनती जा रही है, एक हायरार्की, एक सिस्टम पैदा हुआ कि सफाई कर्मचारियों का ये तो शुक्र है आज अस्तित्व में भी। मुझे हो सकता है कि मेरी बात से आप लोग सहमत ना हो, लेकिन मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं कोई अपना जजमेंट नहीं पास कर रही हूँ, लेकिन मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है वो ये कि सफाई कर्मचारी जो लोग जो जीते हैं जिंदगी को, अगर वो इस तरीके की जिंदगी को जीते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ अपने ही लोगों के बीच में उनको क्या क्या सहन करना होता है, इस पर ठहर के सोचने की जरूरत है। जी जी, निशा जी ने कहा है, निशा पार्चे जो हमारे साथ जुड़ने वाली थी, लेकिन बिल्कुल मैं माफी चाहूंगी उनसे, तकनीकी कारण से निशा जी साथ में, उन्होंने कहा है स्वच्छकार समाज इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, और उन्होंने मुझे फोन पर ये भी बताया कि उनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, उनको पब्लिक नहीं किया जा रहा, उनका संक्रमण का स्तर या उनके साथ में क्या व्यवहार किया जा रहा है, और उन्होंने बहुत स्पष्टता से कमेंट किया है कि थाली बजाकर दिया जलाकर इनको सम्मान देने की बात नौटंकी है, और सरकार को इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है निश्चित तौर पर। जिम्मेदारी लेनी चाहिए सर, मैं आपको सॉरी मैं टोक रही हूँ, ना केवल जिम्मेदारी लेनी चाहिए बल्कि उनका स्थायित्व होना चाहिए ना। आप ये देखिए, सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की जो गाज गिरी थी, आप पीछे चले जाइए कोरोना से पहले, कोई भी मुझे ये आंकड़ा है हमारे सामने, उठा के देख लीजिए प्राइवेटाइजेशन कैसे, जैसे जिक्र हुआ था, सबसे पहले जो प्राइवेटाइजेशन किया गया था वो तमाम जो सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे थे एमसीडीज में या जगह जगह पे लगे हुए थे, उनको सबसे पहले प्राइवेटाइज किया गया, और न केवल प्राइवेटाइज किया गया, उनसे सारी की बुनियादी जो कम से कम जो मनरेगा या लेबर लॉ मिनिस्ट्री जो कहती है कि कम से कम डेली वेज का इतना अमाउंट, एक स्टैंडर्ड अमाउंट जो रखा हुआ है, वो स्टैंडर्ड अमाउंट हर एक लेबर व्यक्ति को मिलना चाहिए, मजदूर व्यक्ति को, जो मजदूर व्यक्ति को जो मजदूरी जो सरकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है वो भी मजदूरी उस सफाई कामगार को नहीं मिलती। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज कम से कम कोरोना संकट में जो हमारे जो बंद बने लेयर्स बताई, कई तरह के लोग काम कर रहे हैं, उनको पक्की नौकरी दी जानी चाहिए, उनका बीमा उनके परिवार का सुरक्षित होना चाहिए, उनको मशीनें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, और मशीनीकरण जब हो तो सबसे ज्यादा भागीदारी उन लोगों की होना चाहिए जिनके परिवार अपने जवानों को, जिनका पूरा डिपेंड करता था पूरा का पूरा फैमिली, वो जो मेन हॉल को साफ करते हुए, गंदगी साफ करते हुए मारे जाते हैं। मेरी तो आपके कर्कश चैनल के माध्यम से और आपके तमाम जो लोग सुन रहे हैं उनसे ये मांग है कि कम से कम उनकी तरफ भी देखिए। आप फूल बरसाने से क्या होगा, आप पत्थर बरसा दीजिए, आज फूल बरसा रहे हैं आप कल को पत्थर बरसाएंगे, लेकिन वो तैयार है इसके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लड़ने वाली जो जमात है यही है। आप ये देखिए ना, जो इतने गंद में जो जिसको हम हमारे घर में जो फ्लैट सिस्टम में बाथरूम अगर थोड़ा सा ब्लॉक हो जाइए, आप ठहर के सुनिए मेरी बात, अगर हमारे घरों में थोड़ी सी भी लीकेज लेटरिन में या बाथरूम में हो जाइए, हमारा घर हमें खाने को आता है, हम बदबू इतनी मारते हैं कि हम उसमें टिक नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। आप ये सोच के देखिए कि वो व्यक्ति जो आपके गंद में सीवर में उतर जाता है और उसको साफ करता है, अगर वो जिंदा उतर जाता है तो सबसे बड़ा ताकतवर, उससे ज्यादा तो स्टेमिना किसी का हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस जमात को अगर आप योद्धा, बार बार योद्धा जो कह रहे हैं, वो योद्धा तभी होगा जब आप उसको शहीदी
का दर्जा देंगे, आप उसको बुनियादी सुविधाएं देंगे जो आप एक शहीद को देते हैं, आप उसको राष्ट्र धरोहर के रूप में देखेंगे और उनको नौकरी देंगे। जी जी, एक हमारे मित्र हैं केशव परीता, वो ये पूछ रहे हैं कि जो सरकार और प्रशासन है उन्होंने सफाई कर्मचारियों की तरफ से आंखें इसलिए मूंद रखी है कि हमारे सरकार में और प्रशासन में एक तरह का जातिवाद व्याप्त है, इसलिए वो इनके अधिकारों को लेकर के कभी बात नहीं करना चाहते और ना आधुनिक सुविधाएं लाना चाहते, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अभी आपको एक अभी मेरे पास बात करते हुए किसी ने मैसेज भेजा है, एग्जैक्टली वो यही बात कर रहे हैं जो आपके कमेंट में इन्होंने कहा। संजय गहलोत जी हैं, उन्होंने भी इसी के ऊपर बातचीत कर रखी है सफाई कर्मचारी आयोग के सामने। उन्होंने ये कहा है कि जो जितने भी कार्यालय हैं हमारे, जो जातिवाद के कहीं ना कहीं गढ़ हैं, वहाँ सफाई कर्मचारियों के साथ जिस तरीके का बिहेव होता है, वो व्यवहार जो उनको अंदर तक भेद के रख देता है, क्योंकि हम लोग जातिवादी हैं। मुझे इसमें कहने का मतलब कोई मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग जातिवादी नहीं हैं, बिल्कुल हम जातिवादी हैं, क्योंकि जो जातिवादी मानसिकता है हमारी, वो ऐसी पैदाइश हमारी बनी हुई है कि अगर हम एक जाति के बाहर खड़े होकर एक मनुष्य की तरह बात करें तो दूसरा हमें स्वीकार भी नहीं करता, वो आपको वहीं लाकर छोड़ेगा जहां पर वो लेकर आना चाहता है। तो ये बिल्कुल सही है, मैं एग्री करती हूँ केशव जी की बात से कि ये तो सबको भोग रहे हैं। आप तो सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में, JNU जैसी यूनिवर्सिटी में, जहाँ आप बराबर की काबिलियत रखते हैं, वहाँ अगर ये पता जब लगता है कि आप सफाई कर्मचारी वर्ग से आते हैं या वाल्मीकि समाज से आते हैं, आपके साथ तो तुरंत वही व्यवहार होना शुरू हो जाता है। और माफ कीजिएगा, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी से नहीं होता, हमारे विदिन दलित भी होता है, वही आपको सबसे पहले एकदम पीछे हटेंगे आपसे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि जब जातिवाद से लड़ना है या पदानुक्रम से लड़ना है तो हमें पदानुक्रम के हर रूप से लड़ना होगा। अक्सर जो मुक्तिकामी जितने विमर्श है उनकी एक बहुत बड़ी सीमा ये है कि जिस तबके से व्यक्ति का संबंध होता है, जिस समुदाय से व्यक्ति का संबंध होता है, वो सिर्फ उसके दुखों को बयान करता है, बाकी भूमिकाओं में उसकी हैसियत क्या है, बाकी अस्मिताओं में उसकी हैसियत क्या है, उसकी बात नहीं करता। मसलन स्त्रियों के लिए जब वो स्त्रियों की बात करती हैं तो स्त्रियों के दुख सिर्फ दुख हो जाते हैं, दलितों के दुख दुख नहीं होते, आदिवासियों के दुख दुख नहीं होते। इसी प्रकार से जैसे आपने दलितों के बारे में कहा, स्वयं ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा जूठन में इसका जिक्र किया है, सूरजपाल चौहान ने अपनी आत्मकथा, और मेरे ख्याल से जो आप भी आत्मकथा लिख रहे हैं उसमें भी इस तरह के जिक्र आएंगे, क्योंकि जो जातियों के भीतर का पदानुक्रम है, हम ये कहकर के उसको बहुत दिन तक टाल नहीं कर सकते कि ये हमारी अंदरूनी समस्या है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, इस पर हमको बात करनी होगी। और हमें अगर समतामूलक समाज की हम बात करते हैं तो हर तरह के पदानुक्रम, हर तरह के पूर्वाग्रह, हर तरह के भेदभाव को दूर करना होगा। मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, जो सफाई कर्मचारियों की या दलितों की इस व्यवस्था में जो हैसियत है, उसकी बहुत बड़ी वजह है हमारी वर्णवादी समाज व्यवस्था, जातिवादी समाज व्यवस्था। हमने ये सोचा था कि जब ये लोकतंत्र आया और पूंजीवादी व्यवस्था आई, तो पूंजीवाद इस दावे के साथ आया कि हम सबको बराबरी का अधिकार देते हैं और एक खुली प्रतियोगिता, इसमें आप हिस्सा लीजिए और आप अपना एक स्थान बनाइए। तो हमको बड़ी उम्मीद जगी थी इस पूंजीवादी, और हमको लगा कि अब तो हम मुक्त हो गए, मॉल में जाकर हर कोई हर कुछ भी सामान खरीद सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इसी पूंजीवादी लोकतंत्र ने जो ठेका प्रथा है वो भी यही लेकर के आया, और दलितों की स्थिति जितनी बेहतर होनी चाहिए थी, सफाई कर्मचारियों का वेतन जितना बढ़ना चाहिए था, उनकी सुख सुविधाएं, उनके सिक्योरिटी मेजर्स जितने बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े, बल्कि मैं कहूँगा कि अभी विकल्प नहीं, चूँकि इतने कम पारिश्रमिक में वो काम करते हैं, अगर कोई विकल्प नहीं है, विकल्प हो तो उनको निकाल के भी फेंक दे, यानी सिर्फ उपभोग के लिए ये दलितों का इस्तेमाल करना चाहती है व्यवस्था। ऐसे में मैं समझता हूँ कि पूंजीवादी लोकतंत्र भी फेल हो चुका है। तो जातिवादी वर्णवादी जो हमारी समाज व्यवस्था है, जो पहले से चले आ रही है, वो तो अनुपयोगी है ही, लेकिन ये पूंजीवादी लोकतंत्र भी एक सीमा तक अनुपयोगी हो चुका है। तो
तो अब मुक्ति का रास्ता क्या है, कैसे हम सफाई कर्मचारियों की, दलितों की या तमाम वंचितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे, पूरी व्यवस्था में और समाज में उनकी सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित कर सकेंगे? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ बातचीत से कि जो हमें जो एक प्राइवेटाइजेशन से हमें ये दिखाई दे रहा था, पूंजीवाद से जो हमें एक तरह से दिखाई देने लगा था, वो सारा का सारा हमारे सामने आ चुका है। लेकिन अब जो लिबरेशन, मतलब जिसको आप कहेंगे कि अब इससे छुटकारा कैसे हो, वो होगा खासकर अगर मैं सफाई कर्मचारियों की बात करूँ, इस वर्ग की ही बात करूँ केवल, तो उनका तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक वो अपने इस पेशे को नहीं छोड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है जितना मैं पढ़ पाई हूँ, जो भी जाति आगे आई है उसने अपने जो जो थोपा गया पेशा है उसको छोड़ा है। जब तक वो अपने जो थोपे गए पेशे को, या यूं कहे कि जो जो जागीर बना हुआ है उनका पेशा, जब तक वो उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक वो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब वो समाज आगे तभी बढ़ेगा जब शिक्षा उनके पास आएगी। जैसे जैसे चेतना आएगी, जैसे जैसे अधिकार, चेतना आने के बाद जो अधिकारों की मांग आपके साथ बढ़ेगी, आप आंदोलित होंगे या बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को अपनाएंगे, जब आपको लगेगा कि ये अधिकार जो एक तरह से किताब में ही सीमित है, वो जब आप उसको पढ़ेंगे और उसकी चेतना जब आपके बीच में आएगी, तब एक बुनियादी बदलाव होगा। और सफाई कर्मचारियों का, वाल्मीकि समाज का, तब तक बदलाव हो नहीं सकता जब तक अपने इस गंदे पेशे को वो नहीं छोड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक आप चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो, यहाँ यहाँ समाजवाद हो, वर्ण व्यवस्था का तो भोंडा रूप हमारे सामने जाति व्यवस्था का आ ही चुका है। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि दोबारा एक बार फिर से मैंने कई गाड़ियों में पीछे लिखा हुआ अभी देखा है, गाड़ी पे पहले एक बीच में जो बदलाव आया था वो था राणा लिखा हुआ मिलेगा, या भारद्वाज या मिश्रा ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। आजकल मैं बड़ा ध्यान से देखती हूँ इन चीज़ों को, मेरी मेरी थोड़ी सी जिद्दी स्वभाव है इन चीज़ों में। आजकल क्या आता है, क्षत्रिय लिखा हुआ आएगा, ब्राह्मण लिखा हुआ आएगा, वैश्य लिखा हुआ आएगा। तो ये जो जो एक स्लाइटली जो परिवर्तन आ रहा है, ये जाति व्यवस्था से वही वाला हमारी जड़ों की ओर लोटों वाला जो कंसेप्ट है ना, ये वहां से आ रहा है। खैर बहरहाल मैं बस आपकी बात, क्योंकि आप तो खुद बहुत काम कर रहे हैं, एकेडमिक में भी हैं, न केवल एकेडमी में है बल्कि तमाम जो जो साहित्य के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से, और अब आप कर्कश यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सेंसिटिव तरीके से चीज़ों को देखते हैं। बस थोड़े शब्दों में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सफाई कर्मचारियों में बदलाव जो होगा वो शिक्षा से होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संकित हो, संघर्ष करो, जब तक ये चीज बाबा साहब अम्बेडकर की, ये हमारे जो सफाई भाई हैं वो नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, आगे नहीं भेज पाएंगे, और अवसर जो मिलेगा उसमें चेतना के माध्यम से उस अवसर को हासिल नहीं कर पाएंगे, तब तक मुझे लगता है बदलाव आना नहीं है। चाहे वो पूंजीवादी समाज हो जाए या समाजवाद, यहाँ तक कि अगर समाजवाद की हम प्रकल्पना करें, अगर वो भी आता है तो सफाई कर्मचारियों की स्थिति में या जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव मुझे नहीं लगता कुछ आ पाएगा। आपने बहुत ज़रूरी बात कही। एक बहुत बड़ा मसला है कि व्यवस्था कोई भी हो, उसमें सबसे निचले पायदान पे जो खड़ा है वो देश का दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, और उनमें भी सफाई कर्मचारी, स्त्रियां, ये सब लोग सबसे निचले पायदान पे हैं। व्यवस्थाएं बदलती है, सामंतवाद से हम पूंजीवाद में और राजशाही से हम लोकतंत्र में आ गए, लेकिन इनकी स्थिति में बहुत बदलाव नहीं आया। जितना भी बदलाव दिखाई पड़ता है वो केवल संविधान के माध्यम से दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं कि अगर संविधान के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से भी आगे बढ़ें, तो सरकार अब नौकरियां खत्म कर रही है, अब सरकारी क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं, तो सरकारी क्षेत्र को ख़त्म करके निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं इसमें जो सफाई कर्मचारियों की स्थिति है, इसमें उनकी स्त्रियों के पक्ष से एक बार पूरे परिदृश्य को समझना चाहता हूँ कि महिलाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि जनरली हम जब तक किसी चीज़ की गहराई में नहीं जानते तो एक स्टीरियोटाइप डेवलप करते हैं, हम एक अपूर्व धारणा विकसित करते हैं और हम ये मानते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो स्त्रियाँ बहुत मजबूत हैं,
वो थप्पड़ के बदले में थप्पड़ मारती है, कोई कहता है हमारे यहाँ स्त्रियां उत्पीड़ित। आपने जो सफाई कर्मचारियों की स्त्रियों से अगर बात की है और उनको जितने को आप जानती हैं, तो स्त्रियों की क्या दशा है और क्या उनकी उनके शोषण में और पुरुषों के शोषण में कोई फर्क है या दोनों एक ही तरह का है? लास्ट सवाल होगा मुझे लगता है। हाँ ठीक है जी, आप जी, क्योंकि बच्चों का भी खाने का टाइम हुआ ना मुकेश, काफी देर से उलझ रहे हैं बच्चों के साथ, एक डेढ़ घंटा हो गया। हाँ मैं, क्योंकि बच्ची मेरी छोटी है, मुझे इस टाइम देखनी होती है, वैसे तो दिन में मैं फ्री होते हैं। देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि हमने पिछले दिनों स्वच्छता समाज की आवाज पर महिलाओं की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की थी, जिसमें इसके साथ इस बहाने बता दीजिए स्वच्छता समाज की आवाज में, और से क्या अनुभव आपके निकल करके आए? मैं सबसे पहले उसी अनुभव को बता रही हूँ। देखिए मैं सातगोई से बात करने में यकीन करती हूँ। मैं एकदम ये कहूँगी कि मैं कुछ चीज़ें जानना चाह रही थी हमारी महिलाओं से, लेकिन आप भी मेरी बात से सहमत होंगे और तमाम जितने सुन रहे हैं या देख रहे हैं मुझे, वो भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम फील्ड में काम करते हुए, फील्ड इंडस्ट्रीज अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए, अगर हम बिल्कुल एकदम गहरे से उतर के जवाब दें, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? नंबर वन, ये बहुत गहरा सवाल है, मैं जो आपके सामने बिल्कुल साफ गोई से रखा है। और मैं भी नहीं चाहूँगी कि कोई ऐसी महिला मेरी जो घर में है और या जो काम कर भी रही है, अधिकारी भी है, उसको इन दिक्कतों का सामना करें, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा कुछ है नहीं उनके उनको मैं बचा पाऊँगी, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल एक साधारण सी स्त्री हूँ, तो हो सकता है कि मैं उसके साथ पता नहीं खड़ी भी हो पाती या नहीं पाती। तो जो फौरी तौर पे उन महिलाओं के साथ बात करने में निकल के आया, बिल्कुल सही है कि जो जिस आज़ादी की बात हमारे दलित आंदोलन गैर दलितों से करता है, उसी आज़ादी को वो अपने दलितों में को नहीं देना चाहता। नंबर अब आ जाइए स्त्रियों पे, जो जिन अधिकारों की बात या जिन स्वतंत्रता की बात पुरुष करता है, दलित पुरुष, वही अधिकार और स्वतंत्रता वो अपनी महिला को नहीं देना चाहता। ठीक उसी तरह जो हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, उनकी भी स्थिति यही है। हाँ वो अलग बात है, आपने एक बात कही है बीच में कि कुछ ऐसे हैं जो थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार देते हैं, ये बहुत आदर्शवादी सोच है और होंगे ये एग्जाम्पल, मैं नकार नहीं रही स्टेटमेंट आपने जो कहा, हो सकता है एग्जाम्पल है, लेकिन ये भी उतना ही कड़वा सच है कि वो हमारे हरियाणा में, मैं बिल्कुल एकदम हरियाणा के लोग से आती, हमारे यहाँ तो क्या होता है, महिलाएं सुबह सुबह टोकरा उठा के चली जाती थी, काम करती थी, पुरुष क्या करता था, सारा दिन ताश पीटता था ठ्याई में चौपाल में बैठ के, वो सारा दिन काम करती थी, दोपहर तक आती थी, फिर वो रोटी मांग के लाती थी, तब वो रोटी खाते थे सारे, वो या तो हुक्का पीटता होता था या ताश खेलता था या शाम को आके शराब। मुझे तो नहीं लगा ऐसा कोई फेमिनिज्म उनके बीच में होगा या कोई ऐसा आदर्श पति पत्नी वाला ऐसा होगा, या यूं कहें कि बड़ा बराबरी का अधिकार वो दे रहा होगा। हाँ कुछ हो सकता है, कुछ अपवाद हो, जिसमें से मैं और मुकेश एक अपवाद ही है, हम लोग बराबर में काम करते तो मेरे अपने ही रिश्तेदार बोल देते हैं हैं ले वो किसने काम खातर ला रखी है, तो सारा काम तो नहीं करना है, यही रोटी क्यों बनाएगा, यही बच्चा पोटी जैसे आ जाए तो माई पोटी क्यों साफ करे, बच्चे बाप भी तो कर ही सकता है, लेकिन इसको जब वो देखती हैं तो उनको बड़ी हैरानी होती है कि ये कौन सी धरा के प्राणी है। तो आप इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह समझे होंगे कि ऐसा नहीं है कि समाज बहुत अच्छे से अधिकार को दे रहा होगा, सफाई कर्मचारी नहीं दे रहा, बल्कि आप ये देखिए, मैं मेरा अपना तो मानना ये है कि जो महिलाएं हैं सफाई कर्मचारी, वो चार तरह का शोषण सहन करती हैं परिवारों में। आपका जो पितृसत्तात्मक शोषण है वो तो है, पूंजीवादी शोषण है वो भी, दलित होने के नाते भी शोषण है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी जो महिला है वो चौथा शोषण भी सहन करती है, और वो चौथा शोषण है एक सफाई वर्ग से आने वाली महिला, और उसमें वो जो अपना खुद का ही परिवार है वो उसमें भी शोषण महसूस करती है, महसूस क्या शोषण झेलती है, वो पूरा नहीं कह पाती। हाँ इतना जरूर है कि हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी तक केसेस नहीं पहुंचते, गांव की पंचायत, गांव इन द सेंस उस समुदाय की पंचायत निपटा लेती है,
अगर दहेज की बात करें तो अब तो बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ कोई करवा चौथ टाइप कोई ऐसा कोई त्यौहार नहीं हुआ करता था। हमारी महिलाएं दूसरों के घरों में काम करने जाती थी, मैंने नहीं, मेरी माँ को या मेरी चाचे ताइयों को या मेरी दादी को, इनको कभी नहीं श्रृंगार किए हुए देखा। कोई मांग भरी हो या पैरों में बिछुए डाले हो या जिसको आप सो कॉल्ड जिसका स्त्रीवादी आंदोलन जिसकी बात करता है, क्योंकि हमारी महिलाएं बेचारे दिन रात काम करती होती थी। जो दूसरों के घरों में काम नहीं करती वो खेतों में काम करती है, कभी लकड़ियाँ लेके आना, कभी सीजन ली, जैसे अगर गेहूं का टाइम है तो गेहूं काटनी, अगर जीरी मतलब धान जीरी लगानी है तो वो महिलाएं करेगी, जीरी काटनी है तो वो महिलाएं करेगी, दालों का सीजन है तो वो महिला करती है, अगर वो जो चमास्या जिसमें पड़ता है चमास्या के लिए लकड़ी इकट्ठा करनी है वो बेचारी महिलाएं करती। अरे कौन सा ऐसा काम है जो महिला नहीं करती, बल्कि जो नौकरी पेशा महिला है वो कम से कम घर में नौकरी का ही तो काम कर लेती है, लेकिन ये जो महिलाएं हैं ये तो 24 घंटे की मजदूर है। और इसमें जो व्यक्ति है उनका वो तो शराब पी के आएगा रात को और उसको 10 बारी तो खाना, क्योंकि गैस तो होती नहीं, 10 बारी चूल्हे पे गर्म करवाता है और तब खाती है महिलाएं। आप कह रहे होंगे वो बराबर है, कहाँ बराबर है, मतलब 1-2% जैसे मेरे जैसी महिला अगर बराबर है तो मैं ये मान लूं कि सारी बराबर होंगी, ना नहीं है। ये चावल जैसे हम पकाते हैं ना एक दाना निकाल के देख लेते हैं, जस्ट वो एग्जाम्पल है। तो इसलिए मैं तो मेरी महिलाओं से जब स्वच्छकार समाज की आवाज़ में बात हुई उन्होंने भी ये स्वीकार किया और सीधे कहा कि कौशल जी हम क्या कहें आपको, आप जानती हम यहाँ अगर बोलेंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मुझे ये तमाम महिलाओं के बीच में जैसे काम करती हूँ, बहुत सारी महिलाओं को सफाई कर्मचारियों के टच में हूँ लगातार, और लगातार आपके सफाई कर्मचारी संगठन है जो उसकी गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी मैं रही हूँ, और तमाम संगठनों में जो सफाई कर्मचारियों से जुड़े हुए उसमें मैं काम भी किया है, अफर्मेटिव एक्शन कमेटी में बॉडी में भी हूँ मैं कईयों में, तो उनको देख के मैं इस रिजल्ट पे पहुँची हूँ कि जो जो हायरार्की सिस्टम है सफाई कर्मचारियों के बीच में भी जो महिलाएँ हैं, सफाई कर्मी जो महिलाएँ हैं वो उतनी ही पीड़ित हैं जितना एक सफाई कर्मचारी है, वो डबल है। बल्कि आप ये देखिए जब बच्चा रोटी मांगता है तो वो अपनी माँ से ही मांगता है आज भी। अभी देखा ना कल की मजदूर का जो डेथ हुई ट्रेन में, वो छोटा सा बच्चा कितना कालजा, हरियाणा में मैं अगर कहूँ अपनी वजह से कालजा फटने को आता है उसको देख के, तो कैसे वो बच्चा उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, उसको नहीं पता कि उसकी माँ नहीं उठे। बहुत ही मार्मिक तस्वीर है वो हमारे सामने, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं। ये तो हमारे अपनी देखी हुई है, मान लीजिए आपने कोई ऐसी कथाएं अगर सुनी है तो वो हम सुन रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे दौर का है, हमने अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक महिला जो जो प्रेग्नेंट जो प्रेगनेंसी मतलब जो डिलीवरी कर देती है 2 घंटे के बाद वो पैदल चल पड़ती है। अब सोच के देखिए कौन है वो महिलाएं, वो जो जा रही हैं कौन है, वो मजदूर है कौन, अब सर्वे करवा के देख लीजिए कौन है वो मजदूर, वो हमारे ही अपने मजदूर हैं, वो चाहे बिहार के हों चाहे राजस्थान के हों चाहे यूपी का हों, हमारे अपने ही वर्ग के हैं, हमारे अपने ही SC ST हमारे अपने ही दलित लोग हैं जी। मुझे लगता है कि आज लगातार इंटरनेट भी प्रॉब्लम कर रहा है और हमें इस चर्चा में छोड़ देना चाहिए कुछ आगे के लिए। हाँ ठीक है, एक हमारे मित्र हैं राकेश, उन्होंने कमेंट किया है, वो कमेंट पढ़ के मैं बात खत्म करूंगा। जी जरूर। उन्होंने कहा है कि सर मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ, पहले सफाई कर्मचारी की परमानेंट पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय पहले कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से प्राइवेट कर दी गई है। जो लोग प्राइवेट सफाई कर्मचारी के रूप में कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आए हैं उनको 200 रुपये पर डे के हिसाब से डेली वेजेस में प्राप्त होते हैं, किसी दिन ड्यूटी नहीं आना हुआ किसी वजह से तो उस दिन का पेमेंट उनको नहीं दिया जाता, मतलब एवरेज 5,000 रुपये महीने मिलते हैं, जबकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 18,000 रुपये प्राप्त करता है। मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ, बहुत सही सवाल किया है और मैं और 5 मिनट इसके ऊपर लेना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत गंभीर सवाल है, और ये उनका सवाल नहीं है, राकेश जी का सवाल नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल याद दिलवा देती हूँ, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, यूपी में जब बहन मायावती जी की सरकार थी उस वक्त एडवर्टीजमेंट निकली थी रेलवे में, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट थी, मुझे आंकड़ा अभी ध्यान नहीं आ रहा वो तो क्योंकि इन्होंने रेलवे का जिक्र है, मुझे ध्यान है। तो उसमें एक तरह से जितने भी रेलवे में सफाई कर्मचारियों की भर्ती थी वो ओपन भर्ती थी,
मैं उसमें कोई उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था वो ओपन था, उसमें कोई भी कर्मचारी ज्वाइन कर सकता था। आपको हैरानी होगी राकेश जी को, बल्कि ज़्यादा अच्छे से पता होगा रेलवे में अगर वो कर्मचारी रहे हैं तो, वहाँ पे जितने भी कर्मचारी भर्ते हुए दूसरी कास्ट के, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के इम्प्लाई वो लोग रहे जो गैर वाल्मीकि थे। यहाँ मैं गैर वाल्मीकि शब्द प्रयोग करूँगा, सारे आते हैं गैर वाल्मीकि, गैर सफाई स्वच्छकार समाज के जितने भी लोग थे, वो सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे सरकारी नौकरी पे वो रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जितने भी इस वर्ग के जो लोग थे, जो वाल्मीकि लोग थे, जो स्वच्छकार समाज के लोग थे, उन्होंने उनको 200-200, 300-300 रुपए लेके झाड़ी मतलब झाड़ू लगाने का काम उनसे करवाया। मतलब आप विडम्बना देखिए, नौकरी पे वो है, नाम उनका है, सब कुछ उनका है, लेकिन जो झाड़ू लगा रहा है वहां, वो जो कर्मचारी जो आपको दिखाई देगा रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वो आपको उसी जमात का मिलेगा जिस जमात को वो 100% रिजर्वेशन। एक बात, दूसरी बात, ये राकेश जी ने जो कहा, मैं दिल्ली की बताती हूँ आपको। हमारे यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है, एनसीडी के जितने भी कर्मचारी हों, ये यहाँ एक क्रोमोलॉजी प्रयोग की जाती है दरोगा। मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा काम तो नहीं मैं करती, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकती हूँ, मेरी फाउंडेशन है क्योंकि मैं सेंट्रल एम्प्लॉय भी हूँ और मेरी लिमिटेशन भी है काम करने की, लेकिन फिर भी जितना मैं कर सकती हूँ, मैं उस माध्यम से बता रही हूँ आपको। यहाँ एक टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाती है दरोगा। दरोगा जो अटेंडेंस रखता है, राकेश भाई का जवाब भी दे रही हूँ मैं साथ ही साथ, वो अटेंडेंस देखता है, वो ये देखता है कि कौन व्यक्ति कितने दिन आया, वो देखता है कि किसको उधार पैसे की जरूरत है, वो देखता है कि किसको इवन उसकी जो पासबुक है, कितने लोगों की पासबुक है, वो अपने पास होती है, उसके एटीएम तक उनके पास होता है दरोगा के पास। ये मैं दिल्ली की बात बता रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्र है उसमें, दिल्ली में जहाँ यूनियन टेरिटरी भी है, जहाँ स्टेट भी है, जहाँ सेंटर भी है, इन तीनों में भी ये हालत दिल्ली की है कि वो जो इम्प्लाइज है, अगर वो एक दिन नहीं आता तो उसके पैसे वो दरोगा खा लेता है। लेकिन वो पैसे गवर्नमेंट नहीं कम करते, वहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो एक कंसोलिडेट सैलरी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो सफाई कर्मचारी को दी जानी चाहिए, वो उसको उतनी ही मिलती है ऑन पेपर मिलती है, मैंने ये कहा ऑन पेपर, लेकिन वो सारे के सारे पैसे काट के एटीएम उसके पास होता है, पासवर्ड उसके पास होता है, बैंक की पासबुक भी उसके पास होती है। और ये मैं आपको एक फैक्ट के आधार पर बता रही हूँ जो मेरे सामने भी आया था, मुझे मेरी आँख फटी की फटी रह गई थी कि ये क्या है कि आपको अपनी पासबुक रखने का आपके पास अधिकार नहीं है, आपको पे स्लिप आपको नहीं पता कि आपकी पे कितनी आती है। ये मैं उन लोगों की भी बता रही हूँ कि जो सफाई कर्मचारी परमानेंट है, परमानेंट का भी ये हालत है। तो इसलिए राकेश जी आपको ज़्यादा हैरानी करने की ज़रूरत नहीं है, यह भारतीय समाज का बहुत कड़वा पहलू है। जिन सफाई कर्मचारियों की बात आज गंगा साहेब मीणा जी आज यहाँ बैठे हैं चैनल पर, उसके ऊपर अगर बात करना शुरू करें तो हम यहाँ सारी रात बैठ के उनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, तब भी वो कम होगी। मैं खुद जानती हूँ, इतने तमाम इतने अनुभव हैं कि आप देखिए कि हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं एग्जाम्पल बता दूँ आपको, हालांकि मुझे बड़ा सेंसिटिव है ये, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं राकेश जी ने जिक्र किया इसलिए बता रही हूँ। एक महिला, ये सुलभ जो इंटरनेशनल जो है, बेसिकली ये सफाई कर्मचारियों को हायर कर रहे हैं, ठीक है, इम्प्लाइज वो सुलभ का है ना कि यूनिवर्सिटी का, समझ रहे हो सर मेरी बात, वो सफाई कर्मचारी इंस्टीट्यूट का नहीं है जिसमें वो काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसका पैर फिसल जाता है टॉयलेट में, अगर बाई चांस क्लीन करते हुए हार्पिक उसके ऊपर गिर जाता है, हम जानते हैं हम घरों में जब टॉयलेट साफ करते हैं अगर हार्पिक जरा सा भी स्किन को लग जाए, क्योंकि अलग अलग तरह के केमिकल के बनते हैं तो जला देता है, बहुत बुरी तरह से जलाता है, खारिश होती है, जब तक आप उसको साबुन से हाथ प्रॉपर ना धोले तब तक आपको ऐसे 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 होगा पूरा। लेकिन वहाँ जो काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ जो इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तमाम जितने सफाई कर्मचारी हैं वो सारे के सारे सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से आते हैं, वही उनको पेमेंट करता है, सारी जिम्मेदारी उनकी है, वो जब चाहे जिसको हटा दे, जब चाहे जिसको हटा दे, किसी की कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो
तो खैर छोड़िए, मैं बता नहीं पाऊंगी, मेरी आंखों में पानी आ जाएगा। मेरी अपनी एसोसिएशन का देखते हुए की बात है, मतलब मैं उस लड़की ने, उस महिला ने मुझे सीधा ये कहा कि अगर मेरी नौकरी छूट जाती है ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरे पास जवाब नहीं था, मैं प्रिंसिपल के पास गई, रोने तक की हद तक मैंने रिक्वेस्ट की, रोने की हद तक मैंने ये कहा, मतलब सर ये इतना अच्छा काम कर रही है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए का मकान है, किराए पर, किराए के लिए इसके पास पैसे नहीं है, मैं एक दो महीने के लिए दे भी दूंगी या दे रही हूँ, मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे दान से थोड़ी चलता है। आजकल ज्योति को दान मिल रहा है वहाँ, मैंने ये लिखा भी है, बल्कि राकेश सिन्हा जी को भी मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे ही कॉलेज के हैं, मैंने कहा सर आप दान देने की बजाय इसको नौकरी दीजिए ना, जो इसका ये आत्मनिर्भर बने जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये कोई, मतलब मैंने बिल्कुल इतनी हद तक मैंने जिंदगी में इतनी रिक्वेस्ट किसी से नहीं की होगी जितनी रिक्वेस्ट मैंने अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल को, उस महिला को नौकरी पर रखने के लिए की। मेरी एसोसिएशन मेरे खिलाफ खड़ी हो कि तुम्हें तो तुम अपने स्टैंडर्ड को गिरा रही हो, ये वर्डिंग थी। और मैं अगर नाम बता दूँ यहाँ तो मुझे दिक्कत नहीं है कोई, मैं बता सकती, मैं डरती नहीं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगी, छोड़ दीजिए। मतलब उन्होंने सीधा ये कहा कि तुम अपने अपने स्टैंडर्ड को गिरा रही हो, इनका तो हर रोज का आना जाना है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। प्रिंसिपल ने कहा कि देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, बात आई गई। वो लड़की जब मेरे सामने आई, महिला, मतलब मैं आँख से आँख नहीं मिला पाई, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं ना जिससे मैं रोजगार दे सकूँ। मैं तो भाई खुद ही इम्प्लाइज हूँ, क्या पता कब कॉलेज वाले मेरे को खुद ही निकाल दें, इतना वोकली मैं इतना बात करती हूँ ईमानदारी से। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि राकेश जी की बात बिल्कुल 101% सही है। और ये तो रेलवे का है, तमाम जितने, मैंने कहा जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी हालत यही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। आज आज़ाद भारत के बाद जो सफाई कर्मचारियों की जो दशा है, नेपाल में, आप पाकिस्तान में, तमाम जो एशियन कंट्रीज है, क्योंकि मैं तो बाहर जाती हूँ, आपने खुद मेरे परिचय में बताया था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय उसमें भागीदारी करती हूँ, मैंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है एशियन कंट्रीज में जो वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की दशा, जो भारत में है वही दशा भारत में है। नेपाल आपका पड़ोसी देश है, बांग्ला आपका पड़ोसी देश है, बर्मा आपका पड़ोसी देश है, श्रीलंका आपका पड़ोसी देश है, पाकिस्तान आपका पड़ोसी देश है, तमाम सर्वे करवा के देख लीजिए सफाई कर्मचारियों की दशा इंटरनेशनली यही है, जिसमें कोई बुनियादी बदलाव आज तक मुझे दिखाई नहीं। छुटपुट है, हमारे जैसे लोग जबरदस्ती कर करके पहुंचे हुए हैं, बहुत कम लोग, बहुत कम मात्रा है। तो मैं सहमत हूँ राकेश जी की बात से, यही हो रहा है, परमानेंट को हटा के इवन जो छटनी जो हुई सबसे पहले इन्हीं के ऊपर गाज गिरी है, क्योंकि इनकी आवाज भी नहीं है ना, कोई आवाज इनकी नहीं है। बहुत आवाज जिसकी नहीं होती तो वो क्या बोलेगा, क्या आंदोलन करेगा, क्या वो सड़कों पर उतरेगा। आप ये देखे ना, दिल्ली जैसी जगह पे 23 दिन तक MCD के कर्मचारी झाड़ू टोकरी उठाते स्ट्राइक करते रहे, हमारे कितने आंदोलनकारी उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे थे, हमारे कितने दलित संगठन उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे थे, हमारी कितनी दलितों की पॉलिटिकल पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां पहुंचे थे, हमारे तमाम जो राजनीति में क्षेत्र में काम करने वाले जो वाल्मीकि समाज के जो MLAs MPs हैं, कितने लोग MCD की स्ट्राइक पर पहुंचे थे, ये मैं सवाल छोड़ रही हूँ आपके लिए। जी बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक लाइन और कहूंगी, जिस तरह से गुजारी है हमने जिंदगी, जिस तरह से गुजारी है हमने जिंदगी, अगर तुम होते तो गुजर चुके, अगर तुम होते तो गुजर चुके। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कौशल पवार जी, आपने सफाई कर्मचारियों के जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं पे बात की, और आपने ठीक कहा कि अगर हम इस पे बात करें तो पूरी रात भी गुजर जाएगी लेकिन बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि सफाई कर्मचारियों के जीवन के इतने पहलू हैं, इतनी समस्याएं हैं, और जिन पे अक्सर बात नहीं होती, और बात ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तमाम जगहों पर, खासतौर पर आज के दौर में मीडिया लोगों की राय बनाने का काम करता है, मीडिया में हमारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए बातें नहीं आ पाती। कल के लिए ये खबर है मित्रों कि कल शाम को 7:30 बजे हम इसी पहलू पर विचार विमर्श करेंगे कि न्यूज रूम डाइवर्सिटी की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है न्यूज रूम डाइवर्सिटी, यानी
क्यों हमारे पत्रकार होने चाहिए, क्यों हमारे एंकर होने चाहिए और क्यों सभी तबकों से जुड़े हुए विषयों पर बात होनी चाहिए, उनके पैनलिस्ट होने चाहिए, तभी सभी तबकों का सच सामने आ पाएगा। और बहुत ही खास मेहमान होंगे जिनको आप हमेशा देखना और सुनना चाहते हैं। उर्मिलेश जी हमारे साथ होंगे, रतन लाल जी हमारे साथ होंगे और साथ में ग्लेडसन डुंगडुंग होंगे और पूरी मजबूती से और प्रखरता से सब लोग अपनी बात रखेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कल 7:30 बजे आप तर्कश चैनल पर और फेसबुक पेज पर जुड़ें और न्यूज़ रूम डाइवर्सिटी पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल पवार इस ज़रूरी मसले को उठाने के लिए, सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बनने के लिए। और मित्रों आपसे गुजारिश ये भी करूँगा कि कौशल पवार जी का जो चैनल है उसका हम कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डालेंगे, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि सफाई कर्मचारियों के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न मसलों को आप समझ सकें। कई सारे साक्षात्कार हैं सफाई कर्मचारियों के और दलित समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों के, जिसके माध्यम से स्वच्छ कार्य समाज के से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को आप समझ सकें और अपने आप की समझ को विकसित करें और शायद हम समाज के हर तबके को साथ ले पाएंगे, तभी हम एक समावेशी लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे, एक बराबरी वाले समाज का निर्माण कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। धन्यवाद कौशल पवार जी। जय हिंद।